पाकिस्तान में जब भी 4x4 का जिक्र होता है तो रियल ओजी को कोई नहीं भूलता। टोयोटा की लॉन्ग लास्टिंग, अभी तक लास्ट कर रही है, 80s की जीपें भी अभी तक नारान कागान में चल रही हैं। लेकिन आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो 80s की नहीं है, 90s की है। 92 मॉडल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है हाइलक्स, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या ही खूबसूरत चीज़ है अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त बड़े खूबसूरत किस्म के डाले में। डबल कैबिन हमारे बचपन में कहा जाता था इसे, खूबसूरत जाइगेंटिक गाड़ी है ये। और मज़े की बात यह है कि मल्टीपर्पज़ भी है और बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में भी है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े और इस गाड़ी के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा आउटर साइड कैसी लग रही है, क्या पोजीशन है बॉडी की। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो एक काम तो रह ही जाएगा कि अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। बेल आइकन अक्सर लोग नहीं दबाते तो वो कहते हैं यार वीडियोस मिलती नहीं है, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो गाइस, ये है टोयोटा हाइलक्स 1992 मॉडल। हाइलक्स लिखा हुआ, किसी गलतफहमी में ना रहिएगा। बॉडी अगर हम इसकी देखते हैं तो बिल्कुल स्पॉटलेस बॉडी है। ऑफ कोर्स इसका रंग शंग हुआ हुआ है, क्योंकि कितने साल बनते हैं, तकरीबन 31 साल पुरानी गाड़ी है ये, तो इतना तो इसका हक बनता है कि इसका ख्याल रखा जाए। अच्छा, पाकिस्तान में अजीब एक सीन है ना, बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता है। बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कह के यहाँ उल्टी चीज़ भी बेच दी जाती है। लेकिन अगर यहाँ कोई ऐसी गाड़ी मौजूद हो तो मैं आपको दिखाऊं, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है। अगर रियल ओरिजिनल पेंट के नाम पे यहाँ पे एक टाकी सी भी लगी हुई है ना और बाकी सारा रंग उड़ा हुआ है, वो लोग ख़रीद लेंगे गाड़ी के जेन्युइन पेंट में। वो भाई जेन्युइन पेंट है ही कितना, एक फुट का पेंट है तो उस पर ले लेंगे, लेकिन पेंट हुई हुई शावर हुई हुई गाड़ी नहीं लेते। आई डोंट नो वाई, एक्सीडेंट का इतना ख़तरा है ना कि शायद लगी हुई हो, अगर लग गई है तो वो बन भी तो जाती है बाद में, बनी हुई होती है गाड़ी। बहरहाल पाकिस्तानी मार्केट कुछ इसी तरह काम करती है। तो इसमें इस तरह का सच आपको कोई सीन देखने को नहीं मिलेगा। इसके ओनर कहते हैं कि यार कहीं से कुछ भी लगी लगाई नहीं है ये गाड़ी। अगर ये पानी बहता हुआ आपको लग रहा है तो अभी हमने इसका स्टार्ट नहीं थी काफ़ी दिनों से, तो हमने रेडिएटर वगैरह चेक करके पानी शानी डाला था इसका, तो वो गिरा हुआ, मत आप समझें लीक हो रहा है। बाहर से आप देख सकते हैं गाड़ी फिट एंड फाइन कंडीशन में। पीछे इसकी बेड स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे दो अदद चेयर्स लगा दें दोनों साइड्स पे और अपने बॉडी गार्ड्स को यहाँ पे बैठा दें, या बच्चों के लिए जगह बना दें, वो बैठ के आराम से जाएंगे। अदरवाइज़ ये बेड स्पेस वैसे ही है कि आपके बड़े बड़े काम जो हैं बआसानी ये कर पाएगी। सामान वगैरह ढेर सारा लादा जा सकता है इसके ऊपर, कैबिन भी लगाया जा सकता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको हाइलक्स के ऊपर एक्स्ट्रा कैबिन लगा के दिया जाता है। बैग से भी आप देख लें, नीट एंड क्लीन। अच्छा, इस गाड़ी में ज़्यादा शोशा भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये ज़्यादातर सरकारी महकमों के पास होती हैं गाड़ियाँ, लेकिन इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। टायर्स की हालत भी आपके सामने है। फ्रंट पे हम आते हैं अगर, तो फ्रंट से भी बिल्कुल सादी सी गाड़ी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, परफेक्ट रखने वाली गाड़ी है। इंजन की साउंड आप ऑलरेडी सुन सकते हैं, 3L इंजन है इसका। फ्यूल कैप यहाँ से आप इसकी एक्सेस करेंगे, ठीक है। लो आई बोलता है सही। इंटीरियर का काम मुलाहजा करते हैं, क्या सीन है इसका। अच्छा, मैनुअली है सारा, सीट एडजस्टमेंट वगैरह ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें, सारे डोर जो हैं विंडोज़ इसकी पावर्ड हैं, सिर्फ ड्राइवर साइड ऑटो है। डोर लॉक यहाँ पे, विंडो लॉक यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके पावर्ड मिरर्स हैं, ठहर मैं ये वाला चेक कर लूँ काम भी कर रहा है कि नहीं। नहीं, ये काम नहीं कर रहा, लेकिन ऑप्शन इसमें मौजूद है। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। नीट एंड क्लीन दरवाजे, ये इतना ऐसा काम नहीं है, आप किसी से भी थोड़ा सा मजदूरी लेगा वो सेट कर देगा ऐसे। इंटीरियर यहीं से मेरे दाखिल होने से पहले आप देख सकते हैं, ड्राइविंग साइड पे एक चीज़ आपकी ऐन आंखों के सामने आएगी, स्टेयरिंग व्हील ऊपर से थोड़ा सा आपको अपनी जगह से हटा हुआ लग रहा है, हटा हुआ नहीं फटा हुआ है ये,
ठीक है, लेकिन इसे आप करेक्ट करवा सकते हैं। ज़ाहिर है लेता बंदा तो एडजस्टमेंट अपनी मर्जी से करवा ही लेता है। सीट्स की हालत मेरे ख्याल नई नई कुशनिंग हुई है, सारी सीट्स A1 है। आप इसका आर्मरेस्ट देखें, आर्मरेस्ट भी बिल्कुल ब्रांड न्यू डन हुआ हुआ है। बैक सीट भी मुलाहजा कर लेते हैं, सारी सीट्स नई बनी हुई हैं, ठीक है। अभी इन पे पनियाँ शनियाँ भी लगी हुई हैं। सफोकेशन हो रही है तो आप पिछले शीशे खोल सकते हैं, वरना बंद कर लें शीशों को, ऐसे आप बंद कर सकते हैं। अच्छा, छत पे अगर आप देखें तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ छत की हालत के, यानी कि इसमें छत के ऊपर आपको सनरूफ नहीं देखने को मिलेगा। गाड़ी के अंदर हम बैठते हैं, स्टेप पे चढ़ के आप थोड़ा सा इधर उधर नज़ारा करने के बाद आप बड़ी शान के साथ इसमें बैठ सकते हैं, जैसा कि हम बैठ चुके हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, यहाँ से भी एक आया हुआ थोड़ा सा, ठीक है, सारे मसलों का हल होता है। इसके ऊपर कवर लगा दें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जेन्युइन चीज़ आपको जो दिखानी है वो तो हमने दिखानी है। ये ना हो कि आप ख़रीदें आप कहें यार ये चीज़ तो दिखाई नहीं है। वारंटी मिरर इसमें नहीं मिलेगा और इसमें भी नहीं मिलेगा। कार्ड होल्डर है इसमें, लाइट्स दोनों ऑन हो रही हैं, काम कर रही हैं, वेरी गुड। ये डिमिंग के साथ आता है लेकिन मैनुअल ऑटो डिमिंग नहीं है। साउंड सिस्टम इसके अंदर नहीं लगा हुआ, सिर्फ टेप है, ठीक है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से स्क्रीन वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा, ये गाड़ियाँ कोई इस तरह कंफर्ट के लिए नहीं बनी हुई होती, जिसका आप मुजाहरा सामने देख सकते हैं कि इतना बड़ा डैश इसका नहीं है, चीज़ें वगैरह इस पर आप नहीं रख सकते। कुछ स्टोरेज स्पेस वहाँ मिल जाएगी, कुछ यहाँ पे, यहाँ पे कुछ ही मिलेगी। देखें जस्ट तार ही पड़ी हुई है इसके अंदर, दैट्स ऑल। 4x4 इसका परफेक्टली काम कर रहा है। आप देखते हैं चली हुई कितनी है, 344,518 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। 31 साल में इतना ही चली है तो दैट्स ऑलराइट, नॉट बैड एट ऑल। डेली ड्राइविंग गाड़ी नहीं होगी तभी, एस्ट्रे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी एसी वैसी की मैं कोई गारंटी आपको नहीं देता कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। इसको यहाँ से कर देते हैं, कूल पे ही है। हवा आ तो रही है, अब ये मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है। रेस दे के देखता हूँ उसे। इंजन अपनी A1 हालत में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी प्राइस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम उज़ैफ़ा से पूछेंगे। उज़ैफ़ा, आपको कैसी लगी गाड़ी? ये तो बहुत अच्छी लगी है। आपको अच्छी लगी है, वेरी गुड। गाड़ी मुझे भी ये बजाते खुद अच्छी लगी है। सिंपल सी गाड़ी है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस इसमें है नहीं, बिल्कुल सादी गाड़ी है ये। और अगर आपको शोशा के लिए रखना है, ज़रूरत तो डेफिनेटली पूरी करेगी आपकी, लेकिन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा रोब होता ना उसके लिए भी बड़ी आउट क्लास गाड़ी है। लेकिन अगर ये ब्लैक कलर में होती तो और ज़्यादा आउट होती, इसकी मकसद पूरा हो जाता। अच्छा, अब बात कर ले इसकी प्राइस की, तो ये इस वक्त हम मौजूद हैं सहारा मोटर्स पे मानसरा के अंदर, और इसकी जो डिमांड की जा रही है मैं फिर बता देता हूँ। टोयोटा हाइलेक्स 1992 मॉडल है, 1992 मॉडल है, और इसकी जो डिमांड की जा रही है खूबसूरत गाड़ी की वो है 18 लाख रुपये। अच्छा, बाज लोग कहते हैं इतने ज़्यादा पैसे ये वो, तो ये ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं हरफे आखिर नहीं है, ये आपकी बार्गेनिंग स्किल पे कि आप कहाँ तक इन्हें ला सकते हैं और कितने में ख़रीद सकते हैं। तो आस्किंग प्राइस जो डिमांड है वो 18 लाख रुपये। नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप मानसरा के अंदर हैं या कुर्बा जवार में तो पर्सनली आके आप विज़िट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये है कि आप कॉल या व्हाट्सएप करके, इनके पास अक्सर गाड़ियाँ ऐसी हैं जो UK से और इधर उधर से जो भाई दोस्त देखते हैं चैनल को, तो उन्होंने कॉल करके इनसे कांटेक्ट किया और गाड़ियाँ ली। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आप कॉल पे भी, वीडियो में तो आप देख ही चुके हैं, छत एक रह गया, छत भी दिखा दें अगर तो। हर चीज़ अपनी जगह पर है और नथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस व्हीकल। जो रॉन्ग हुआ वो आप कॉल पे उनसे पहले पूछिएगा कि क्या क्या कमी कोताही है इस गाड़ी में, तो वो आपको कंफर्म कर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये खूबसूरत गाड़ी भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट PK को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी किस्म की मज़ीद खूबसूरत गाड़ियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।